कि जैसे ये माइक्रोसॉफ़्ट पावर पॉइंट का यूज़र इंटरफेस है और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन होती हैं वो एक्स हॉरिजॉन्टली ये टॉप पर रहती हैं और यू आई सॉरी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं इनका जो क्विक व्यू है वो यहाँ लेफ़्ट साइड पर वर्टिकली मौजूद होता है जबकि तमाम की तमाम एक्टिविटी या हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो इस स्क्रीन के ऊपर रहता है करंट स्क्रीन के ऊपर रहता है तो बेसिकली Uh, आपका जो डिज़ाइन है वो एप्लीकेशन का थ्रू आउट जो थ्रू आउट द इंट्रैक्शन है विद डेट एप्लीकेशन वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को क्लिक करने से जो फर्दर ऑप्शंस हैं वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आनी शुरू हो जाएं या कुछ भी इस तरह से एब्रप्टली परफॉर्म होना शुरू हो जाए अच्छा इसके अलावा दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर कहा था कि आप जब अपनी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी वेब पेज के ऊपर किसी चीज़ के बारे में कुछ इंफॉमेशन दे रहे होते हैं चाहे वो उस टेक्स्ट फील्ड के अगेंस्ट टाइटल ही क्यों ना हो या उस वेबसाइट का इंट्रोडक्शन ही क्यों ना हो या फिर वो उस वेबसाइट की किसी प्रोडक्ट के बारे में ही इंफॉर्मेशन क्यों ना हो आपने मिनिमम वर्ड्स का इंतखा करना है ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर फीचर या एस्पेक्ट या पर्टिकुलर थिंग और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के किया गया हो बिकॉज उसने ये कहा यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर कहा कि हर एक वर्ड फॉर इंस्टेंस अगर आपने सोचा हुआ है कि आपने हंड्रेड वर्ड्स के अंदर एक चीज़ को एक्सप्लेन एक करना है तो आप के पास लफ्ज़ जो उनसे वो महदूद हैं और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी लफ्ज़ का चुनाव करें वो रेलिटिवली दूसरे अल्फाज जिनको आप छोड़ रहे हैं उसकी कंपेरिटिवली वो उनसे बेहतर हो बिकॉज हर एक वर्ड जो आप इन हंड्रेड वर्ड्स की सिलेक्शन में यूज़ करेंगे वो बहुत सारे और वर्ड्स को एलिमिनेट करके अपनी जगह वहाँ इंफॉर्मेशन या कैप्शन के अंदर बना रहा होगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्ट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए ताकि यूज़र को उसके हवाले से बेहतर आइडिया रहे इसके बाद बारी आती है नाइन्थ पॉइंट की वो है हेल्प यूजर्स रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर गुड एरर मैसेजेस आर ऑलवेज हेल्पफुल एरर मैसेजेस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्लेन लैंग्वेज रादर देन दी एरर कोड जैसे कि मैंने एरर 404 का इस लेक्चर के शुरू में आपको रेफरेंस देके समझाया था दैट प्रसाइज़ली इंडिकेट द प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्टिवली सजेस्ट अ सॉल्यूशन कि सबसे पहले वो यूजर को आपका जो मैसेज है एरर मैसेज वो ये बताए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और फिर आप उसको इन केस इफ इट इज एड्रेसेबल बाय टारगेट यूजर तो आप उसको बताएं कि वो कैसे इस प्रॉब्लम के साथ डील कर सकता है और इस सिचुएशन से निकल सकता है फ्रेज एरर मैसेजेस डिफेंसिवली नेवर ब्लेम द यूजर Multi-level messages that link to fix the system is all, are always helpful For instance, when you explain error message to the user then text message that you that should be defensive rather than offensive at very first place because you do not want to annoy your target audience Number two, never blame the user ये बेसिकली उसी के अंदर डिफेंसिव या ऑफेंसिव एस्पेक्ट के अंदर ही कवर हो जाता है मल्टी लेवल मैसेजेस दैट लिंक टू फिक्स द सिस्टम आप स्टेप बाय स्टेप यूजर को बताएंगे किस वजह से इश्यू आया है और फिर आप यूज़र को स्टेप बाय स्टेप गाइड करें कि यूज़र कैसे इस सिचुएशन में से निकल सकता है टेंथ पॉइंट हमारा है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन इवन दो इट इज़ बेटर इफ सिस्टम कैन बी यूज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन It may be necessary to provide help and documentation. Any such information should be easy to search. Focused on the user's task. List concrete steps to be carried out and not to be and not be too large. So up user ko hi concisely or uh, uh, like shortest uh jo hai wo, स्पेस को यूटिलाइज करते हुए बहुत कम सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो है यूज़र को गाइड करें सेट ऑफ स्टेप्स जिसके थ्रू यूज़र जो सा है वो किसी भी गोल को अचीव कर सकता है तो बेसिकली ये दस पॉइंट्स थे जिसको मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन को एंड टू एंड एवेलुएट किया जाता है और इन दस पॉइंट में से जिस भी पॉइंट के अंदर आपकी एप्लीकेशन लैक कर रही होती है उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर लिया जाता है अच्छा यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन अवेलेबल हैं कि हिरोस्टिक वैल्यूशन को परफॉर्म बेसिकली कैसे करना है सो so, जिस एप्लीकेशन को या जिस भी आप समझ लेंगे ऑब्जेक्ट को या जिस भी प्रोडक्ट को आप वैल्युट करने जा रहे हैं दैट कुड बी दैट डिजाइन मे बी अ वर्बल डिस्क्रिप्शन पेपर मॉकअप

टर्स uh, को डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर इंस्टेंस सिंस एवेलुएटर जो हैं वो टेक्नोलॉजी uh, uh, से टेक्नोलॉजी की फील्ड से एसोसिएटेड हैं और अगर प्रोडक्ट जो है मेडिकल रिलेटेड है तो आपको यूजर को डोमेन नॉलेज भी प्रोवाइड करना पड़ेगी मगर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑप्शनल होता है अगर जरूरी है तो प्रोवाइड की जाएगी अगर जरूरी नहीं है तो नहीं प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद ईच एवेलुएटर वर्क्स अलोन फॉर वन टू टू आवर्स तो कीप इन माइंड कि ये जो पर्टिकुलर इवेलुएशन है इसके अंदर एवेलुएटर जो है वो इंडिविजुअली काम करता है ये पहले डिजाइनिंग प्रोसेस की तरह या इंटरव्यू सेशंस की तरह या परसोना बिल्डिंग स्नैरियो बिल्डिंग की तरह नहीं है कि जो है वो डिज़ाइनर्स की टीम काम करेगी यहाँ पे इवेलुएटर्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं उन दस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए जो हमने अभी डिस्कस किए और उस बेस के ऊपर पूरी एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करते हुए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद बारी आती है एक और इंस्ट्रक्शन की जिसमें वो ये कहना चाह रहा है कि इंटरफेस एग्जामिड इन टू फेजेस फर्स्ट फेज फोकस ऑन जनरल फ्लो सेकेंड ऑन पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन डिटेल तो पहला हर एक एवेलुएटर एवेलुएशन दो फेजेस के अंदर करता है नंबर वन वो एक

नोट्स जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस लेता रहे मेक लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड लिस्ट ऑफ पॉजिटिव फाइंडिंग्स अच्छा एक बात यहां पे जेहन में रखने की है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूशन को परफॉर्म करते हुए जो हमारा प्राइमरी गोल है वो है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बट येस yes, वो इसमें ये भी कह रहा है कि इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स भी आपको मिलती हैं तो वो भी आप एज अ साइड नोट नोट डाउन करते रहे और ये प्रॉब्लम्स जो आइडेंटिफाई करनी है मैं अगेन हाईलाइट करना चाहूँगा उन दस पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए इंस्ट्रक्शन को मद्देनजर रखते हुए करनी है टेक स्क्रीन शॉट्स एज यू वर्क दे मे बी मे नॉट बी रीप्रोड्यूसेबल लेटर आप जब एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में अभी बग्स हैं प्रॉपरली टेस्ट नहीं हुई हुई और कुछ यूनिक सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो किसी एक अनएक्सेप्शनल uh, सिचुएशन uh, के अंदर आ जाए जो कि स्नैरियो दोबारा शायद रिप्रोड्यूस भी ना हो सके और अगर आप जो है वो थ्रू आउट द प्रोसेस रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे इस पूरी एक्टिविटी की तो आपको ये जहन में रह, ये आपको ट्रैक करने में आसानी होगी कि वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हुई थी वो किस तरह से किस तरह के सेट ऑफ़ एक्शंस को परफॉर्म करने के बाद हुई थी जो हर एकटर ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है इवेलुएशन मैनेजर का ये काम है कि हर एक इवेलुएटर से उनकी हर एक इवेलुएटर की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को उनसे क्लेक्ट कर ले और एक स्प्रेडशीट के अंदर उस को उसकी एग्रीगेटेड लिस्ट बना सेम प्रॉब्लम को, तो को एक दफा लिखा जाएगा और स्प्रेडशीट पे करना क्यों मकसद की क्या बेनिफिट है उसको हम देखते हैं शायद आने वाले यहाँ पॉइंट्स में अदरवाइज हम जब अभी एक स्टडी को देखेंगे तो तब हमें क्लियर हो जाएगा द लार्ज लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईटेलुएटर जब एग्रीगेट ले लिया गया बाय मैनेजर तो अब वो जो लिस्ट बनी है फॉर इंस्टेंस हर एक ने जो है वो ऑन एवरेज दस प्रॉब्लम की थी किसी ने पांच की थी किसी ने पंद्रह की थी किसी ने दस की थी किसी ने आठ की थी किसी ने बारह की थी लेकिन जब उनका एग्रीगेट लिया गया तो टोटल आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम यूनिकली आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो उनसे मिली वो टोटल बीस थी अब वो जो बीस की लिस्ट है वो हर एक इवेलुएटर को प्रोवाइड कर दी जाएगी अब इसका मतलब ये है कि जो आइडेंटिड प्रॉब्लम्स की एग्रीगेटेड लिस्ट यूजर्स को सॉरी प्रोवाइड की गई है इसमें से हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इवेलुएटर को सिर्फ और सिर्फ पांच प्रॉब्लम्स के बारे में ही ऑलरेडी पता हो जो कि उसने खुद आइडेंटिफाई की थी हो सकता है कि पंद्रह का पता हो तो वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स की लिस्ट इवेलुएटर्स को दे दी जाती है ईच इवेलुएटर नाउ असाइन्सरिटी रिटिंग इंडिविजुअली टू ई प्रॉब्लम इन द लार्ज लिस्ट अनसीन बाय द अदर इवेलुएटर्स अब दोबारा जो एक्टिविटी परफॉर्म होनी है वो एवेलुएटर्स ने इंडिपेंडेंटली करनी है कि वो जो एग्रीगेटेड लिस्ट थी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की उन हर हर उस हर उस एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट उन्होंने उसको स्वेयरिटी रेटिंग असाइन करनी है स्वेरिटी रेटिंग क्या होती है मैं आपको पहले बता ये जीरो टू फोर होती है आई गेस जीरो टू फोर या वन टू फाइव होती है और जीरो का मतलब क्या है फोर का मतलब क्या है अभी आने वाली स्लाइड्स में हम देख लेंगे बेसिकली ये उनकी स्वेयरिटी को ही जो है इंडिकेट करती है किसकी सरिटी ज्यादा है किसकी सरिटी किस प्रॉब्लम की स्वेरिटी कम है अब दोबारा से हर एक इंडिविजुअल जोन सा है जो तमाम ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी उनके अगेंस्ट फी असाइन करता है द इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी रेटिंग्स आर एवरेज टू ऑबेन द फाइनल स्वयरिटी रेटिंग फॉर ईच प्रॉब्लम अब दोबारा से क्या किया जाता है एंड आई बिलीव दिस इज ऑल्सो बींग डन बाई दुएशन मैनेजर इवेल्यूशन मैनेजर जो सा है वो जो इवेलुएटर्स uh, ने प्रॉब्लम एग्रीगेटेड प्रॉब्लम्स को स्वेरिटी रेटिंग असाइन की थी हर एक इवेलुएटर ने वो उन उनटर से इवेल्यूशन मैनेजर जो सा है वो इवेल्युएटर से एग्रीगेटेड uh, प्रॉब्लम्स की इंडिविजुअली असाइंड स्वेरिटी रेटिंग को इवेलुएटर से वापस ले लेता है और तमाम इवेलुएटर्स की हर एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट असाइन की गई हुई स्वेरिटी को की मीन वैल्यू निकाल लेता फॉर इंस्टेंस के प्रॉब्लम वन जो के इवेलुएटर वन सेवन और नाइन ने सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई की थी उसके अगेंस्ट तमाम इवेलटर्स ने जब उसको रेट किया किसी ने उसको थ्री किया किसी ने उसको फाइव किया मेजोरिटी ने उसको फोर किया तो शायद उसकी जो एग्रीगेटेड स्वेयरिटी रेटिंग या मीन स्वेरिटी रेटिंग जो उनकी आए वो फोर पॉइंट वन या थ्री पॉइंट एट के करीब आए अच्छा अब इसका बेनिफिट क्या है नंबर वन जो हमने इंडिविजुअली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया हर एक वेलुएटर ने जो प्रॉब्लम uh, को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हर एक इवेलुएटर जो उनका था वो सलाहियत रखता था एक डिफरेंट एस्पेक्ट में फोकस करने की उस प्रोडक्ट को लेके और उसने उस लिहाज से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जब हर एक वेलुएटर ने अलग-अलग काम किया तो उन्होंने यूनिकली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और जब उनको इकट्ठा किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बन गई आइडेंटिफाई हो गई जो कि अगर वो शायद टीम में काम करते तो वो ना हो पाती एक बात दूसरी बात जो स्वेरडी रेटिंग असाइन की गई है वो तमाम यूजर्स से जिन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था या उन्होंने यूजर इीवेलुएटर जिन्होंने उस ए, हर उस वैल्युएटर से करवाई गई जिन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था या नहीं भी किया था उससे उसकी स्वेरिटी रेटिंग असाइन करवाई गई और उसकी मीन वैल्यू ली गई अब इसका मीन वैल्यू लेने का फायदा क्या है इसका मीन वैल्यू लेने का फायदा यह है कि तमाम तमामुएटर्स का एक एग्रीगेटेड इंप्रेशन आपको मिल गया कि इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट मेजोरिटी वैल्युएटर्स जो हैं वो क्या समझते हैं कि इसको एड्रेस करना जरूरी है पहले या नहीं इसकी स्वियरिटी क्या है ये प्रॉब्लम कितनी स्वेयर है कितनी ज्यादा इमीडिएटली एड्रेस करने की जरूरत है इसको ये हमें बेनिफिट मिल जाएगा रादर के हो सकता है कि मेरे लिए बिंग एन एवेलुएटर उस प्रॉब्लम की स्वेरिटी बहुत हाई हो मगर मेजोरिटी ऑफ दुएटर्स की नजर में उस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ही वो जो एक एस्पेक्ट है वो उनको प्रॉब्लम ही ना लगता हो तो तो आप किसी एक इवेलुएटर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर या उसकी जो एक लाइकिंग या डिसलाइकिंग है उसके मुताबिक नहीं चल सकते इसीलिए आपको एक ओवरऑल इवेलुएटर का इंप्रेशन चाहिए इस वजह से आप उसकी मीन वैल्यू लेते हैं रेटिंग की उसके बाद बारी आती है द लॉन्ग लिस्ट इज सॉर्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एवरेज स्वेरिटी नाउ यू नो वाई दीट कम्स इन हैंडी आपने क्या किया कि जब तमाम प्रॉब्लम के अगेंस्ट सियरिटी का मीन कैलकुलेट कर लिया गया तो जिसकी जिस, जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट सियरिटी हाई थी उनको उनकी उस बेस के ऊपर आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर लिया जो सी प्रॉब्लम्स की मीन स्वयरिटी रेटिंग हाई आई वो आपने उस लिस्ट में ऊपर रखी और नीचे सबसे एंड में आपने उन प्रॉब्लम्स को रखा जिनकी सियरिटी मीन स्वयरिटी जो सी है वो लीस्ट आई हुई है तो बेसिकली ये जो सारी जो डाटा था उसको मैनेज करने के लिए और ख़ास तौर पे आपको बेस्ड ऑन दी स्वेरिटी मीन स्वेरिटी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए और फिर उसकी बेस पे आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए स्प्रेडशीट इज क्वाइट हैंडी इसीलिए सजेस्ट किया गया था कि स्प्रेडशीट इस्तेमाल कर लें इस तमाम प्रोसेस के लिए

जो हैं हैं या steps हैं जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है अब एक स्टडी को देखते हैं अगर आपको heuristic evaluation के अंदर still कोई uh, misconception या किसी भी, भी confusion रह गई है तो भी हम इनको इसको इस केस स्टडी के थ्रू दूर करने की कोशिश करते हैं एंड कीप इन माइंड कि इस केस स्टडी को तो हम पूरा का पूरा परफॉर्म करेंगे और इसके बाद बेसिकली एक और केस स्टडी मैं आपको दूंगा जो आपकी एक असाइनमेंट होगी इस ह्यूरिस्टिक वैल्युएशन के कंटेंट के अगेंस्ट अच्छा ये के स्टडी के अंदर बेसिकली ये दो साइंटिस्ट हैं हु एक्चुअली रैन फोर ह्यूरिस्टिक वैल्यूशन यूजिंग यूजबिलिटी नॉइस नोइस एज इवेलुएटर्स अच्छा यूजबिलिटी नॉइसिस जो हैं इवेलुएटर्स को इस्तेमाल किया गया आ, इवेलूशन परफॉर्म करने के लिए और बेसिकली चार ही रिस्टिक परफॉर्म की गई मैं इसको कुछ इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा फॉर इंस्टेंस कि ये चार डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं किसी प्रोडक्ट के फॉर इंस्टेंस और इनके अगेंस्ट आपने इवेलुएशन परफॉर्म करनी है और आपको ऑलरेडी पता है कि टोटल नॉन प्रॉब्लम्स इस मॉड्यूल के अंदर 52 टू हैं एंड सो एंड सो फोर्थ ये लास्ट मॉड्यूल के अंदर आपकी 34 फोर प्रॉब्लम्स हैं ये टोटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं उसने कहा कि यूज़बलिटी नोविस इवेलुटर्स जो उनसे उनको इस्तेमाल किया गया अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एवेलुएटर्स की भी तीन कैटेगरीज होती हैं अभी तक दो इन्फॉर्मेशन ड्यू हैं आपको समझाना नंबर वन यूजबिलिटी सॉरी एवेलटर्स की जो तीन टाइप्स हैं वो क्या हैं और किस बेस पे वो उस टाइप uh, में के साथ एसोसिएटेड हैं नंबर वन और दूसरी की रेटिंग्स बेसिकली क्या हैं और उनका मकसद क्या है ये दोनों चीजें मैं भी आने वाली स्लाइड के अंदर कवर करूंगा अच्छा उसके बाद ये यहां सेकेंड पॉइंट के अंदर कह रहा है दे कंपेयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स फाउंड by ईच evaluator विद द टोटल नंबर ऑफ नोन problems इन ईच सिस्टम अच्छा अब ये कहते हैं कि जनाब इस एवेलुएशन इस मॉड्यूल की एवेलेशन के लिए थर्टी सेवन एवेलुएटर्स ने एवेलेशन परफॉर्म की इस मॉड्यूल के लिए सेवनटी सेकेंड मॉड्यूल के लिए सेवनटी सेवन एवेलुएटर्स ने थर्ड मॉड्यूल के लिए थर्टी फोर ने और फोर्थ मॉड्यूल के लिए सेवन थर्टी फोर ही एवेलटर्स uh, ने एवेलुएशन परफॉर्म की टोटल नंबर ऑफ नॉन प्रॉब्लम्स जो उन थी वो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर फिफ्टी टू सेकेंड के अंदर थर्टी थर्ड के अंदर फोटी एट और फोर्थ के अंदर थर्टी फोर की इसके बाद एवरेज नंबर प्रॉब्लम्स फाउंड पर इवेलुएटर नॉइस यूजबिलिटी इवेलुएटर जो उनसे थे उनमें से हर एक इवेलुएटर ने फर्स्ट मॉड्यूल के अगेंस्ट 51 परसेंट ऑफ़ दी टोटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया दूसरे मॉड्यूल के अगेंस्ट 38 परसेंट ऑफ़ द टोटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया थर्ड मॉड्यूल के अगेंस्ट हर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअलुएटर ने ऑन एवरेज 26 सिक्स परसेंट ऑफ दोटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फोर्थ मॉड्यूल के अगेंस्ट हर एक इवेलुएटर ने ऑन एवरेज 20 परसेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया 20 परसेंट ऑफ टोटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया इसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ मजीद स्टेटिस्टिक्स हैं जिनको हम सॉरी uh, समझने की कोशिश करते हैं

एक से ज्यादा इवेलुएटर्स इवेल्यूएशन कर रहे हो बट नॉट टूगेदर दर सपोज टू परफॉर्म द दिन इंडिपेंडेंटली अच्छा तो उन्होंने ये बेसिकली एम्फोसाइज किया कि हमने जब दो इवेलुएटर की आइडेंटिफाइड uh, प्रॉब्लम्स का मीन निकाला यूनिक यूनिकलीफाइ बेसिकली हम यूनियन कह सकते हैं हमने जब निकाला तो इस मॉड्यूल की सेवेंटी वन परसेंट ऑफ दोटल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकी सो सो एंड फोर्थ फोर्थ मॉड्यूल की 33% प्रॉब्लम्स परसेंट प्रॉब्लम थर्टी ऑफ़ परसेंट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है और इस तरह से उसने कहा कि जब हमने हर एक मॉड्यूल की इवेलुएशन के लिए 10 इवेलुएटर्स की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को इकट्ठा किया एग्रीगेट लिया तो मॉड्यूल वन की टोटल प्रॉब्लम्स का 97% सेवन परसेंट आइडेंटिफाई हो पाया दूसरे मॉड्यूल के लिए एटी थ्री परसेंट थर्ड मॉड्यूल के लिए सेवेंटी एट परसेंट और फोर्थ मॉड्यूल के लिए सेवेंटी वन परसेंट ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो पाई जब हमने चार इवेलुएटर्स की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स का एग्रीगेट लिया तो बेसिकली हमें यह भी समझने की जरूरत है कि कितने इवेलुएटर किसी भी एक एप्लीकेशन की इवेलुएशन टीम में होने चाहिए और बेसिकली प्रीवियस टेबल की ही जो है वो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दी हुई है कि ये एवरेज यूज़िबिलिटी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड हैं और यहाँ पे है नंबर ऑफ एवेलटर्स और जैसे जैसे इवेलुएटर्स बढ़ते चले गए वैसे वैसे इन मॉड्यूल्स के अगेंस्ट आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स भी बढ़ती चली गई अच्छा अब हमें ये समझना है यहाँ पे स्लाइड के अंदर कि एवेलुएटर्स की टाइप क्या होती हैं और इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है हर एक टाइप के एवेलुएटर की इम्पॉर्टेंस क्या है द एक्सपीरियंस ऑफ एवेलुएटर्स इंफ्लुंसिस हाउ मनी प्रॉब्लम्स दे फाइंड स्टडी ऑफ वन इंटरफेस द बैंकिंग सिस्टम अटच वॉइस रिस्पॉन्स टेलीफोन बैंकिंग सिस्टम बाय थ्री ग्रुप्स ऑफ इवेलुएटर्स Uh, एक स्टडी परफॉर्म की गई बैंकिंग सिस्टम के हवाले से और वहाँ पे जो टास्क वॉइस रिस्पांस बेस्ड सिस्टम था और तीन ग्रुप्स ऑफ इवेलुएटर्स ने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया और उसके अंदर थर्टी वन नॉइस इवेलुएटर्स नाइनटीन रेगुलर स्पेशलिस्ट्स और 14 डबल स्पेशलिस्ट्स ने इलुएशन को परफॉर्म किया थर्टी वन नॉइज ने एक्टिविटी परफॉर्म की इंडिविजुअली और फिर उनकी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को इसी कैटेगरी के एवेलुएटर्स के साथ एग्रीगेट लिया गया और सेम गोज विद रेगुलर स्पेशलिस्ट और फिर उसके बाद जो है डबल स्पेशलिस्ट इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े हम पहले समझ लेंगे नॉविस इवेलुएटर्स रेगुलर स्पेशलिस्ट और डबल स्पेशलिस्ट बेसिकली होते क्या है और किस बेस के ऊपर इनको कैटेगराइज किया जाता है नोविस एवेलुएटर्स ऐसे एवेल्युएटर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो सकते हैं विद नो फॉर्मल नॉलेज ऑफ यूजर इंटरफ़ेसेस और यूजबिलिटी इवेलेशन या फिर आप कह सकते हैं नो यूज़बिलिटी एक्सपर्टीज फॉर इंस्टेंस आप लोग स्टूडेंट्स जो से हैं वो नॉविस इवेलुएटर्स के तौर पर काम कर सकते हैं जिनको फॉर्मल नॉलेज ऑफ यू आई एस सच नहीं है uh, दो के आप लोग ऐसा पढ़ रहे हैं बट ऑन द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो सी है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और यूज़िबिलिटी इवेलुएशन की भी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है रेगुलर स्पेशलिस्ट जो से होते हैं दे आर द पीपल विद यू आई एंड यूजबिलिटी एक्सपीरियंस जिनको सिस्टम यूज़िबिलिटी और सिस्टम यूजिबिलिटी इवेलूएशन और यूजर इंटरफेसेस के हवाले से नॉलेज है यानी कि टेक्निकल डोमेन परस्पेक्टिव से उनको नॉलेज है बट नो एक्सपीरियंस इन वॉइस रिस्पांस सिस्टम यानी कि इस प्रोडक्ट की इस प्रोडक्ट की डोमेन से रिलेटेड इनको किसी भी किस्म की नॉलेज नहीं है ये रेगुलर स्पेशलिस्ट होते हैं डबल स्पेशलिस्ट कौन होते हैं जिनको यू की भी इंफॉर्मेशन होती है यूजबिलिटी एक्सपीरियंस भी होता है एवेलुएशन के हवाले से भी और उसके बाद उनको उस डोमेन से रिलेटेड भी उस प्रोडक्ट की डोमेन से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन होती है तो इस बेस के ऊपर नोवेज एवेलुएटर रेगुलर स्पेशलिस्ट्स और डबल स्पेशलिस्ट्स बेसिकली कैटेगराइज किए जाते हैं अच्छा बैक टू स्टडी बेसिकली ये जो यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्टडी ऑफ वन इंटरफेस द बैंकिंग सिस्टम और बेसिकली आपने इसके अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है आपने इस सिस्टम के ऊपर जो टास्क परफॉर्म करवाना है वो है अ ट्रांसफर ऑफ वन थाउजेंड डॉलर फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट टू चेक अकाउंट तो बेसिकली इन इकतीस नॉविस इवेलुएटर्स ने इन उन्नीस मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 31 नॉविस इवेलुएटर्स के ग्रुप ने इंडिविजुअली और इसी तरह से इस 19 रेगुलर स्पेशलिस्ट के ग्रुप ने इंडिविजुअली और 14 डबल स्पेशलिस्ट के ग्रुप ने बट इंडिविजुअली ये टास्क परफॉर्म करना है और ह्यूरिस्टिक इवेलुएशन के उन दस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और हर एक इवेलुएटर या हर एक स्पेशलिस्ट चाहे वो रेगुलर हो या वो डबल हो के आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को, को एग्रीगेट किया जाएगा उन्हीं के ग्रुप की आ, दूसरे एवेल्युटर्स की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स के साथ और उसके बाद उन्होंने यहां पे इसके कुछ रिजल्ट्स शो किए हुए हैं कि अगेन इस ग्राफ के अंदर भी ये आइडेंट वाई एक्सिस के ऊपर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं और यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ इवेलुएटर्स हैं जिनकी प्रॉग, आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट किया गया ग्रीन जो ये लाइन है ये बेसिकली डबल स्पेशलिस्ट की प्रोग्रेस को शो करवा रही है ब्लू जो है वो रेगुलर स्पेशलिस्ट की और रिस्पेक्टिवली रेड जो है वो नोविस इवेलुएटर्स की प्रोग्रेस को शो करवा रही है और उन्होंने यहाँ पर ये दिखाया है कि एक से ले पंद्रह तक एक से लेके यहाँ एक से लेके पंद्रह तक एवेलुटर्स की प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को अगर उन्हीं के कैटेगरी के एवेलुटर्स के आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स के साथ एग्रीगेट किया जाता है तो नोविसवैलुएटर्स की प्रोग्रेस जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का ग्राफ है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज होता है और रेगुलर स्पेशलिस्ट का कुछ इस तरह से होता है और डबल स्पेशलिस्ट का कुछ यहाँ होता है हम भी देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है वो नॉइस और सॉरी रेगुलर का और डबल स्पेशलिस्ट का वो ट्रेंड सेम है मगर द ट्रेंड ऑफ डबल स्पेशलिस्ट स्टार्ट्स रिलेटिवली फ्रॉम मोर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और बेसिकली वो जो एक फ्लो है वो जो एक डिफरेंस है बिटवीन रेगुलर एंड डबल स्पेशलिस्ट वो तकरीबन कायम रहता है बट आफ्टर अ अटन नंबर ऑफ जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट uh, करने के बाद वो ग्राफ तकरीबन 100 परसेंट के करीब भी आ जाता है और दूसरा ये कि एक दूसरे के भी इसका जो डिफरेंस है वो कम हो जाता है एज नॉइस एवेल्स का जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे रहता है तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम थी ये बेसिकली इस चीज को हाईलाइट uh, uh, करना चाह रही थी कि आप हर एक कैटेगरी के जो एवेलुएटर्स हैं उनकी एक अपनी एक्सपर्टीज uh, लेवल है और उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है और आप कम uh, डबल स्पेशलिस्ट को लेके भी ज्यादा प्रॉब्लम्स uh, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन कंपैरिजन विद नॉइस एवेलुएटर्स बट इट इज देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ फॉर इंस्टेंस अगर आप एक एवेल्यूशन टीम के अंदर सिर्फ डबल स्पेशलिस्ट लगते हैं यू आर सपोज टू पे वे हायर टू ईच डबल स्पेशलिस्ट इन कम्पेरिजन विद प्रोबली The five noise तो बेसिकली आपको एक टीम बनानी पड़ती है जिसके अंदर डबल स्पेशलिस्ट रेगुलर स्पेशलिस्ट और नोविसटर्स तमाम के तमाम मौजूद होते हैं अब सवाल ये पैदा होते हैं कि एक टीम के अंदर कितने इवेलुएटर्स किस कैटेगरी के, के शामिल होंगे और एक और बेनिफिट भी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि नोविस इवेलुएटर्स जो उनसे हैं वो वहां इनसे लेके रेगुलर स्पेशलिस्ट तक तमाम जो कैटेगरी के, के एवेलुएटर्स हैं वो अपनी नॉलेज और अपनी एक वे ऑफ थिंकिंग और एक अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे एप्लीकेशन को एवेल्युएट करेंगे हो सकता है चांसेस हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कि बहुत ही बेसिक हो डबल स्पेशलिस्ट जो हैं उसको ओवरलुक कर जाएं मगर नॉविस वैलुएटर्स उसको आइडेंटिफाई कर लें और ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो कि नॉविस वैल्युएटर्स की कभी भी कंसिड्रेशन uh, में आ ही ना पाए जो कि डबल स्पेशलिस्ट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लें दैट्स वाई देर इज अ ट्रेड ऑफ फाइनेंशियली uh, भी और इसके अलावा प्रोग्रेस बेस भी जिसकी बेस पे आप एक कम्बिनेशन में टीम तैयार करते हैं की एक और यहाँ पे इन्होंने uh, किया हुआ है एक प्रॉब्लम uh, के हवाले से उन्होंने कहा कि जी uh, ये कुछ एक एप्लीकेशन थी और उसके अंदर ये कुछ मेजर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स थी और ये कुछ माइनर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स थी और नॉइस वैल्युटर्स रेगुलर स्पेशलिस्ट और डबल स्पेशलिस्ट को कहा गया कि इन के हवाले को कहा गया कि इस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन करें और देखा गया है कि ये जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड तमाम आठ मेजर तमाम, और नौ से लेके सोलह तक माइनर यूजिबिलिटी प्रॉब्लम्स क्या इन इनको नॉइस ने और रेगुलर डबल स्पेशलिस्ट ने कितने परसेंट आइडेंटिफाई किया तो बेसिकली ये पता लगता है कि ट्वेंटी नाइन परसेंट मेजर प्रॉब्लम्स को टर ने आइडेंटिफाई किया हर रेगुलर इवेलुएटर ने ऑन एवरेज मेजर प्रॉब्लम्स में से 46 परसेंट को आइडेंटिफाई किया जबकि 61 परसेंट मेजर प्रॉब्लम्स को डबल स्पेशलिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और इसी तरह से ये माइनर प्रॉब्लम के हवाले से भी बताया हुआ है कि हर एक प्रॉब्लम के अगेंस्ट नॉइस एवेलुएटर ने इस प्रॉब्लम कितने परसेंट नॉइस एवेलुएटर ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर 11 परसेंट रेगुलर स्पेशलिस्ट्स ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और फिर एक सेवेंटी वन परसेंट यहाँ पे डबल स्पेशलिस्ट ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया सो एंड सो फॉर जो एवरेज बनी वो इन माइनर प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फिफ्टीन परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट और फिफ्टी नाइन परसेंट बनी और जो इसका एग्रीगेट आया जो इसका एवरेज बना वो मेजर और माइनर प्रॉब्लम्स को यूजबिलिटी प्रॉब्लम्स को मिला के नॉविस एवेटर हर एक नोविस वैलुएटर ट्वेंटी टू परसेंट प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाया रेगुलर स्पेशलिस्ट 41 को आइडेंटिफाई कर पाया हर एक इंडिविजुअल ऑन एवरेज और 60 डबल स्पेशलिस्ट जो से है उन्होंने माइनर और मेजर यूज प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया सो so, हमें कंक्लूजन क्या मिलता है कि जी सिंगल इवेलुएटर फाइंड ओनली स्मॉल सेट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम रिगार्डलेस वो किसी भी कैटेगरी से सेवेलुएटर्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है सेवरल इवेलुएटर्स शुड वर्क इंडिपेंडेंटली देन एग्रीगेट Uh, जो है हमें मदद कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीलसन स्टडी एक रिसर्च है उसकी बेस पे ये कह रहा है कि फाइंडिंग अराउंड 80 परसेंट ऑफ यूजिलिटी प्रॉब्लम रिक्वायर टू टू थ्री डबल स्पेशलिस्ट थ्री टू फाइव रेगुलर यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट एंड अराउंड फिफ्टीन नोविस यूजिलिटी इवेलुएटर्स सो आपने जब भी किसी प्रोडक्ट की इवेलुएशन करनी है और अगर आप नीलसन स्टडी को एज अ प्रिंसिपल मान के चलते हैं तो आप 80 परसेंट ऑफ़ दी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दो अगर आपकी वेलुएशन टीम के अंदर दो से तीन डबल स्पेशलिस्ट तीन से पाँच रेगुलर यूजिबिलिटी स्पेशलिस्ट और 15 नॉवेज यूज़िबिलिटी एवेलुएटर्स हों तो आप 80 परसेंट ऑफ़ दी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so बेसिकली ये ट्रेड ऑफ है कि इतने मिनिमम इवेलुएटर्स के साथ आप मैक्सिमम इतनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो बेसिकली ये यहाँ पे इसने एम्फोसाइज करने की कोशिश की

स्वेरिटी रेटिंग ऑन ऑन द स्केल ऑफ जीरो टू फोर टू ईच प्रॉब्लम इन विद इन थर्टी मिनट्स स्वेरिटी रेटिंग ऑफ सिंगल इवेलुएटर इज अन रिलाएबल और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया कि कैसे क्यों ये अनरिलायबल है बिकॉज आप किसी एक बंदे की प्रसप्शन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते आपको इवेल्युएटर की पूरी पूरी टीम का एक ओवरऑल फीडबैक चाहिए एक ओवरऑल uh, इम्प्रेशन चाहिए मीन ऑफ थ्री टू फाइव इवेलुएटर्स इज सेटिस्फैक्ट्री तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आप हर एक एवेलुएटर इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं जैसे कि हमने पहले बात की फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स को एग्रीगेट किया जाता है और एग्रीगेटेड प्रॉब्लम्स को वापस सेंड कर दिया जाता है एवेलुएटर्स को और एवेलुएटर से कहा जाता है कि जीरो टू फोर एग्रीगेट वैल्यू असाइन करें हमने इन चार पॉइंट्स को देखा और उसके बाद बारी आती है ये समझने की कि स्वेरिटी रेटिंग किस बेस पे असाइन की जाती है अगर किसी इवेलुएटर को ये लगता है कि ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल तो वो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो सियोरिटी असाइन करता है वो जीरो करता है अगर किसी यूजर को ये लगता है किसी इवेलुएटर को सॉरी ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई है दिस इज जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम और इसको इसको एड्रेस किए बगैर भी हमारा काम चल सकता है और कोई इशू नहीं होगा तो वो इवेलुएटर उस प्रॉब्लम को वन स्वेरिटी डेटिंग असाइन कर सकता है अगर यूजर अगर इवेल्टर को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम जो जो आइडेंटिफाई की गई है ये जैन है और इसको एड्रेस करना चाहिए मगर ये इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है तो वो उसको उसको उस प्रॉब्लम को स्वेरिटी रेटिंग टू असाइन करता है और अगर किसी को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस है तो वो उसको स्वेरिटी रेटिंग थ्री असाइन करता है और अगर किसी को ये लगता है कि ये आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम Uh, जो है वो कैटास्ट्रॉफिक है और इसको इमीडिएटली एड्रेस कर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए या फिर आप ये कह लें कि ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से और दूसरी प्रॉब्लम भी जनरेट हो सकती हैं और इसको एड्रेस करना सबसे पहले ज़रूरी है अदरवाइज़ शायद एप्लीकेशन भी क्रैश कर जाए या आप अपनी टारगेट ऑडियंस लूज़ कर दें तो उस प्रॉब्लम को सर्टीडेटिंग फोर असाइन की जाती है इसके बाद यहाँ पे ह्यस्टिक वैलुएशन की कुछ बेनिफिट्स और कुछ इसके नुकसान बताए गए हुए हैं फॉर इंस्टेंस ह्योरिस्टिक वैलुएशन इज़ रेलिटिवली चीपर इंटोवेटिव है उसके बाद यूज़बलिटी uh, और ये यह यहाँ पे यूज़बल अर्ली इन डिवेलपमेंट प्रोसेस और फाइंड मैनी प्रॉब्लम्स इसके अलावा फाइंडस बोथ मेजर एंड माइनर प्रॉब्लम्स और इसके बाद जिसका नुकसान है वो ये है कि मे मिस डोमेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट डबल डबल प्लस या माइनस तो इसका मतलब है कि ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इन केस ऑफ या तो बहुत बड़ा नुकसान है इन केस ऑफ माइनस और अगर सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ सिंगल प्लस या सिंगल माइनस है तो आप ये कह सकते हैं कि ये इसका एक नॉर्मल बेनिफिट या ड्रॉबैक है और इसके बाद यहाँ पे कुछ रेफरेंस हैं रिगार्डिंग ह्यूरिस्टिक वैल्यूशन जिनको आप देख सकते हैं या फिर जो थ्रू आउट द लेक्चर इस्तेमाल किए गए हैं Uh, उम्मीद है कि आपको इसके बारे में समझ में आएगा आया होगा इस लेक्चर को uh, सुनने के बाद और अगर मज़ीद कुछ इश्यूज रह जाते हैं तो हम उसको क्यू ए सेशन के अंदर इनशाला कवरअप करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका हिस्सट्री के के अगेंस्ट एक केस स्टडी होगी जो कि आपने एज एन असाइनमेंट परफॉर्म करनी है और uh, उसको आपने अकॉर्डिंगली सबमिट करना है थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफ़